हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आई एम अभिषेक सक्सेना। शुरू करते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री। हमने एडसॉर्प्शन का पार्ट पूरा फिनिश कर दिया है। अब हम चलते हैं चैप्टर के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, सो वी टॉक अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम सिर्फ सॉल्व वर्ड से भी रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बार हम इसे सिर्फ सॉल्व कहेंगे। तो याद रखना है, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब से जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे सरफेस केमिस्ट्री के, मतलब एडसॉर्प्शन खत्म हो चुका है। लगभग 50% पार्ट आप बोल सकते हो, 35-40% हमारा फिनिश हो गया है चैप्टर। ये जब हम कोलाइडल पढ़ लेंगे तो हमारा 80-85% कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट में रिमेनिंग 15-20% इज हेटेरोजेनस कैटालिसिस या फिर एंजाइमेटिक कैटालिसिस या फिर कैटालिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन या सॉल्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन वर्ड, आप पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हो सॉल्यूशन के ऊपर, बट कुछ पॉइंट्स जो वापस हम इसे रिवाइज करेंगे या उसे फिर से हम कंसिडर करेंगे ताकि आपको कोलाइडल सॉल्यूशन अच्छे से समझ जाए। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम मैं लूंगा जिसने सॉल्यूशन के बारे में बताया। तो मतलब साइंटिस्ट का नाम है थॉमस ब्राउन। तो ये साइंटिस्ट हैं, थॉमस ब्राउन ने हमें बताया। एक्चुअली व्हाट ही डिड, इसने क्या किया था कि ही वाज स्टडीइंग द डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। इसने क्या किया, ही स्टडीड डिफ्यूजन ऑफ डिसॉल्वड पार्टिकल्स। अब डिफ्यूजन का मतलब आप 10th क्लास में ही पढ़ चुके हो, 9th क्लास में ही पढ़ चुके हो। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाए। जैसे कि एब्जॉर्प्शन में, एक्चुअली एब्जॉर्प्शन भी एक तरीके से आप डिफ्यूजन बोल सकते हो। जैसे या फिर अगर मैं यहाँ पर अपने बॉडी पर डीओ स्प्रे कर दूँ तो ये वो स्प्रे पूरे रूम भर फैल जाएगा। तो डीओ के पार्टिकल्स पूरे रूम भर फैल गए, उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन ऑफ डीओ पार्टिकल्स अमंग द एयर। ओके, डीओ के पार्टिकल एयर के पूरे पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए। डिफ्यूजन का इनडायरेक्ट मतलब रहेगा मिक्सिंग, तो मिक्स पार्टिकल, या फिर उनका मूवमेंट होना, या फिर मिक्स बोलेंगे, मिक्सिंग बोलेंगे, या फिर उसका मोशन, मूवमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल। अब डिसॉल्व पार्टिकल का मतलब आपने सॉल्यूशन चैप्टर में ही पढ़ा है कि हम किसी भी सॉल्वेंट में, मतलब एक लिक्विड होगा जिसमें देयर इज अ सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट में हम कुछ ऐड कर देते हैं, हम कहते हैं सॉल्यूट। तो ये जो डिसॉल्व पार्टिकल होंगे, मतलब ये डिसॉल्व पार्टिकल का मतलब क्या होगा बेटा, डिसॉल्व पार्टिकल का मतलब होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स। द साइंटिस्ट थॉमस ब्राउन ने क्या किया कि जो डिसॉल्व पार्टिकल्स थे उनके डिफ्यूजन के बारे में उसने स्टडी की। मतलब वो चाहता था कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है या कोई मिक्सचर है तो उसके पार्टिकल कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए उसने कुछ इक्विपमेंट यूज किए। उसने क्या किया कि ये जो सॉल्यूशन है इसको उसने फिल्टर या फिर लेयर से पास किया, इसको मैं लेयर कहूंगा और भी यहाँ नाम है, इससे उसने पूरे सॉल्यूशन को इसमें से पास किया। सिंपल में वापस बता रहा हूँ कि इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक फिल्टर लिया। क्या लिया, फिल्टर लिया, फिल्टर को ही, बट ये फिल्टर जो आप हम जनरली बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल, फिल्टर का एग्जांपल क्या होगा, आपके घर में चाय बनती है, सभी के घर में लगभग चाय बनती होगी, आपने देखा होगा चाय बनने के बाद चाय को एक छन्नी से पास किया जाता है और चाय नीचे आ जाती है और चाय पत्ती जो दाने होते हैं वो ऊपर जमा होते हैं। तो वो जो हमने छन्नी यूज की है या फिर उसको मेश हम कहते हैं, वो फिल्टर हो गया। तो ऊपर से हम पास करेंगे सॉल्यूशन और नीचे देखेंगे कि क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट बोलो या जो भी रिमेनिंग है हमें क्या मिल रहा है वो हमें देखना है। तो इसमें फिल्टर की जगह पर थोड़े हाई, जैसे अगर जो हम चाय पत्ती के लिए जो छन्नी यूज करते हैं उसके मेश पार्ट स्पेस ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा पार्टिकल रह सकते हैं, तो उसमें थोड़े हाईटेक चीजें यूज की। जिसे इसने कहा पार्चमेंट पेपर, मतलब फिल्टर पेपर का थोड़ा हायर लेवल, समझ लो कि फिल्टर पेपर से जल्दी जल्दी पास होता होगा, तो पार्चमेंट पेपर एकदम ज्यादा लॉक वाला। मतलब जैसे सपोज एग्जांपल क्लॉथ है आपके पास, क्लॉथ
कोई भी क्लॉथ से अगर आप पानी पास करते हैं तो वो इजीली स्मूथली पास होगा, क्यों? क्योंकि क्लॉथ के बीच में ज्यादा स्पेस होती है, क्लॉथ के अगर लाइन थ्रेड देखोगे तो उसमें ज्यादा होगी। उसी की जगह पर अगर आप ऐसे 10 क्लॉथ ले लो, 10 क्लॉथ का लेयर बना दो, उसके बाद पानी पास करके देखो तो फिर उसमें से धीरे जाएगा। पार्चमेंट लेयर एक मोटा फिल्टर पेपर कंसिडर कर लो। पार्चमेंट पेपर की जगह अगर आप दूसरा कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम बोलेंगे एनिमल लेयर या फिर एनिमल ब्लैडर, जैसे कि आपको पता है एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, इसे ही हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। मतलब ये साइंटिस्ट ने क्या किया, जो भी सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, कोई भी सॉल्यूशन ले लो, शुगर सॉल्यूशन, इसने क्या किया पार्चमेंट पेपर से पास करने की कोशिश की। ओके, तो व्हाट ही अंडरस्टूड, उसे क्या समझ में आया कि जब मैं पार्चमेंट पेपर से पास करता हूँ तो कुछ में क्या होता है, कुछ फिल्टर में कभी कभी वहां पर पार्टिकल जमा होते हैं और किसी इसमें पार्टिकल जमा नहीं होते। तो उसने क्या किया कि उसके पास दो टाइप के सॉल्यूशन हो गए, कि जब मैं एक सॉल्यूशन को पास करता हूँ तो उसमें किसी सॉल्यूशन में पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, जैसे चाय को मैं जब छानता हूँ ऊपर चाय पत्ती मिल जाएगी, बट अगर मैं शुगर सॉल्यूशन को पास करूंगा तो शुगर सॉल्यूशन में चाय ऊपर छन्नी के ऊपर कुछ जमा नहीं होगा। क्या आपको ये समझ में आया, मैंने दो एग्जांपल बताया आपको कि अगर मैं चाय को छन्नी से पास करूंगा तो चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी और चाय नीचे आएगी, तो यहाँ पर फिल्टर के ऊपर पार्टिकल जमा हो रहे थे, बट अगर मैं उसी की जगह पर शुगर सॉल्यूशन पास करूंगा तो या सॉल्ट सॉल्यूशन पास करूंगा तो ऊपर कुछ जमा नहीं होगा, फिल्टर के ऊपर ब्लैंक होगा। इस टाइप से इसने दो क्लासिफिकेशन किए, मतलब सॉल्यूशंस को इसने दो टाइप में डिवाइड किया। ये डिवाइडेड सॉल्यूशन इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन, सॉरी इट्स डिवाइडेड क्रिस्टलाइन एंड अनदर इज कोलॉइड। एक उसने कहा कि एक सॉल्यूशन होगा क्रिस्टलाइन और दूसरा सॉल्यूशन होगा क्रिस्टलाइन, बट उस जमाने में, कौन से जमाने में बेटा, 1861 की हम बात कर रहे हैं। ओके, 1861 में उस टाइम पर उतना साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं था, उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे। उस टाइम पर उसने बताया कि दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक क्रिस्टलाइन है और एक कोलाइड है, बट बाद में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन के ऊपर स्टडी की तब पता चला कि क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन कभी कभी कोलाइड सॉल्यूशन भी बन जाते हैं और कोलाइड सॉल्यूशन कभी कभी क्रिस्टलाइट भी बन जाते हैं। तो हमें अब सब पढ़ना है कि क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन क्या होता है या कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक्चुअली क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, फिर भी हम एक बार बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोलाइडर पूरा अच्छे से समझ जाए, बिकॉज कोलाइडर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सरफेस केमिस्ट्री का। अगर आपको सब सॉल्यूशन समझ में आएंगे तो आपको पूरा कोलाइडर पार्ट समझ में आ जाएगा, इट्स ऑब्वियस। ओके, सो इसको आप नोट डाउन कर लें अच्छे से। तो थॉमस ग्राम 1861 डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में उसने स्टडी की एंड इसमें उसने दो टाइप के सॉल्यूशन बताए, क्रिस्टलाइन एंड कोलाइड। ओके, इट इज क्लियर, क्रिस्टलाइन एंड कोलाइड। सो इसको मैं बना देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने हमें क्लासिफिकेशन बताया, ये तो ओल्ड था, राम ने बताया, थॉमस ग्राम ने, बट लेटर ऑन जब स्टडीज हुई उसके बाद हमें पता चला देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तीन तरीके के सॉल्यूशन है। या फिर अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो सॉल्यूशंस को हम ब्रॉड वे में दो टाइप में डिवाइड करते हैं। आपने सॉल्यूशन चैप्टर पूरा पढ़ा है तो उसमें आपने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा होगा, होप सो, बट फिर भी मैं इसको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन और दूसरा होता है हेटरोजेनियस। जिन बच्चों की मैंने 11th क्लास में ये वाला चैप्टर लिया था या इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर लिया था, शायद आप लोग का जो 12th में है अभी, तो उनका जो मैंने लेक्चर दिया था, मैंने हेटरोजेनियस और होमोजेनियस सॉल्यूशन का बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल एग्जांपल बताया था आप लोगों को। हमें क्या करना है, पानी लेना है, मैंने क्या किया दो ग्लास में पानी ले लिया। ओके, दो ग्लास में पानी ले लिया, बट एक ग्लास में क्या किया मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया और एक ग्लास में मैंने सॉइल ऐड कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस, देखो मैं बीच में यहां पर, अब मैं डिफरेंस नहीं बता रहा, जस्ट जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि जब मैं सॉल्ट इसमें मिक्स कर दूंगा तो ये सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली होगा,
बट ये सॉल्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि अगे जैसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट सेम दिखे, वैसे ही अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो होमोजेनस मतलब होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर या यूनिफॉर्म मिक्सचर। यहां पर अगर आप टॉप से सॉल्यूशन लो, बॉटम से सॉल्यूशन लो, लेफ्ट से लो, राइट से लो, आप सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट ले लो, सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। बट अगर मैं हेटेरोजेनस सॉल्यूशन की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, जैसे कि सिविल ड्रेस में आप आते हो तो एक ब्लैक ड्रेस पहनेगा, एक व्हाइट ड्रेस पहनेगा, एक ग्रीन, अलग अलग कलर के ड्रेस पहनेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ऊपर से सॉल्यूशन लूंगा तो ऊपर में ज्यादा पार्टिकल मिलेंगे, नीचे में बड़े पार्टिकल मिलेंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टिकल मिलेंगे, मतलब नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल्स मिल सकते हैं। या फिर जो भी हम सॉल्यूशन सैंपल निकालेंगे, अगर मैं ऊपर से निकालता हूँ तो अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, नीचे से निकालूंगा तो अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। ये किसके लिए बताया मैंने, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन के लिए। तो बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि होमोजेनस सॉल्यूशन एंड हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। एंड फिर आपने सॉल्यूशंस का पूरा चैप्टर पढ़ा तो जो भी होमोजेनस सॉल्यूशन होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। याद रखना है उसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। रिमेंबर इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। व्हाई इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन? बिकॉज वहां पर पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है। एग्जाम्पल अगर मैं सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दूं तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। शुगर को मैं पानी में मिक्स कर दूं पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। मुझे सेपरेट मतलब उसमें शुगर के पार्टिकल आपको दिखेंगे नहीं, याद रखना है। बट अगर मैं हेटेरोजेनस सॉल्यूशन की बात करूं तो इट इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें पार्टिकल मिक्स नहीं होता है। मैंने सॉइल को पानी में ले लिया, मिक्स कर दिया, थोड़ी देर के बाद देखा वापस सॉइल नीचे बैठ जाएगा, फिर से मिक्स कर दिया, थोड़ी देर तक मिक्स रहेगा, फिर वापस सेपरेट हो जाएगा। क्या उसे हम मिक्सचर कह सकते हैं? तो इट इज नॉट इट इज अ फॉल्स सॉल्यूशन या फिर नॉट ट्रू सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं जिसे आपने शायद कभी नाम दिया होगा। इसमें हम दो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक होता है कोलाइड्स और एक होता है सस्पेंशन। इंपॉर्टेंट जो मैंने एग्जांपल यहां पर दिया है कि सॉइल पार्टिकल पानी में डाल दे और उसको मिक्स कर दे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। सेटल हो गए उसी को हम कहते हैं सस्पेंड हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स जिसमें सस्पेंड हो जाते हैं, पार्टिकल सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब क्या होता है बेटा, जो बैठ जाते हैं या फिर सस्पेंड के लिए मैं लिखूंगा सेटल हो जाते हैं, उसे हम कहेंगे सस्पेंशन। क्लियर है? क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो, ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल एकदम यूनिफॉर्मली क्यों मिक्स होते हैं अगर आप पूछोगे तो इसमें जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 10^-9। याद रखना है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10^-9 मीटर। तो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसकी जो साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से छोटी होगी। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो इट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। याद रखना है कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होंगे या 10^3 ग्रेटर देन 10^3 नैनोमीटर। तो सर तो मैंने ट्रू सॉल्यूशन बता दिया। ट्रू सॉल्यूशन आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ा है ट्रू सॉल्यूशन का, तो फिर से हम उसमें नहीं बात कर रहे हैं। हमें कोलाइड्स पढ़ना है। बट मैंने ये क्यों बताया आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि कोलाइड्स जो है, कोलाइडर सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्व है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। मतलब इसकी जो पार्टिकल रहेंगे 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम डिफरेंस भी देखेंगे तो टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ बात क्या करनी है कि अभी हमारे पास जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने सॉल्यूशंस को तीन टाइप में डिवाइड किया। पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, सी दिस वन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है कोलाइड एंड दिस होता है सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म हो जाए, पूरा जो भी सॉल्यूट है सॉल्वेंट में जब मिक्स हो जाए उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नहीं पढ़ा है तो आप रिवाइज कर लेंगे शॉर्टली, होपफुली कि हां मेरा वीडियो भी आ जाए उस पर। देन उसका अपोजिट होगा सस्पेंशन, जो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसमें पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। एंड उन दोनों के बीच वाला, ये देखो बीच वाला है कोलाइड्स। बोलेंगे सर ये सरफेस केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, तो कोलाइड्स पढ़ेंगे हम, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझेगा कि यहाँ पर कि
कोलाइडर के बारे में बात करें सरफेस केमिस्ट्री में, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम चलते हैं इन तीनों के कंपैरिजन में, ताकि आपको ये समझ जाए कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में मेन डिफरेंस क्या होता है, ओके। जस्ट आई विल ड्रॉप इट, इसको नोट डाउन करके चलो आप हर एक पॉइंट को। तो कोलाइडर सॉल्यूशन का जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो हम उनका कंपैरिजन पढ़ लेंगे। चलो तीनों पार्ट का देखते हैं हम क्या क्या कंपैरिजन है, बहुत सारे कंपैरिजन है अभी हमारे पास में इनके। So, comparison between, the topic is comparison between true solution, colliders and suspension. तो हमारा हम जो comparison के लेक्चर में है तो true solution time बना देते हैं, बीच में आएगा colliders या collider solution और last one is suspension। तो ये main हो गया हमारा और हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं, तो मैं उस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डाल देता हूँ जिसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल साइज। तो मैंने ये पहले ही आपको बता दिया कि जो पार्टिकल साइज, देखो यहाँ पर हम दो चीजें होती है। देखो ट्रू सॉल्यूशन की जब बात की थी तब एक सॉल्वेंट था और एक सॉल्यूट था, जैसे कि नमक को पानी में डालेंगे तो पानी का सॉल्वेंट और नमक का सॉल्यूट, वैसे ही सब में होता है। तो हम यहाँ पर जो अंदर बैठा हुआ पार्टिकल है, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, उस पार्टिकल की साइज की बात करें, ना कि सॉल्वेंट की बात करें। याद रखना है हम सॉल्वेंट की साइज की बात नहीं करें, हम पार्टिकल की साइज की बात करें। तो सबसे पहला यहाँ पर रहेगा लेस देन 1 नैनोमीटर, दिस इज बिटवीन 1 टू 1000 नैनोमीटर एंड दिस इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब आप बोलेंगे कि इनकी साइज का डिफरेंस क्यों होता है, तो चलो मैं आपको इसके साइज का डिफरेंस बता दूं कि पार्टिकल कौन से होते हैं इसमें, एग्जैक्टली पार्टिकल होते कौन से, कितना साइज होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में या तो वहां पर आयन हो सकता है या फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है। ध्यान में रखना कि कोई आयन होगा, Na+, Cl- ऐसे कुछ, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन में आयन बनेंगे, या फिर कोई और मॉलिक्यूल, यू नो द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, छोटे मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है। बट अगर कोलाइडर सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वहां पर आयन या मॉलिक्यूल नहीं, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब जो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है साइज में, क्लियर, या फिर और एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। एग्रीगेट का मतलब होता है जमा होना, जैसे कि यहाँ पे कहा था कि एक मॉलिक्यूल है तो सॉल्यूशन में सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं इसलिए वो बहुत छोटे होते हैं, बट यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब होता है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, या फिर एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल बहुत सारे मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, तो उसे हम एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। और सस्पेंशन में वो सबसे बड़ा, देखो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है इसलिए यहाँ पर आएगा aggregates of, again same in there aggregates of molecule or atom, मतलब molecules या atom के aggregate, clear है यहाँ तक के। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर there is a visibility, क्या मुझे इसके पार्टिकल्स दिख सकते हैं, ओके क्या मुझे इसके पार्टिकल्स दिख सकते हैं या नहीं दिख सकते। तो यू कैन टेल मी, आप नमक को ले लो, पानी में डिसॉल्व कर दो, क्या आपको नमक के पार्टिकल्स दिखते हैं, क्या आपके रूप में नमक है। रूप में इसकी बात नहीं चल रही है, सॉल्यूशन की बात चल रही है। तो पानी में नमक अगर आपने मिक्स कर दिया तो क्या आपको नमक दिखेगा, नहीं दिखेगा, नॉट विजिबल इवन विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर लूं तो भी मुझे नहीं दिखेगा, मैं माइक्रोस्कोप यूज कर दूं तो भी नहीं दिखेगा, क्लियर। ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट विजिबल, नॉट विद माइक्रोस्कोप, नॉट विद माइक्रोस्कोप टू, माइक्रोस्कोप से भी हमें इसके पार्टिकल नहीं दिखते हैं। बट अगर मैं कोलाइडर्स की बात करूं तो नॉर्मल कंडीशन में नॉट विजिबल, नॉट विजिबल
बाय नेकेड आइज, जिसे हम नेकेड आइज कहते हैं। जहां पर भी नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, यहां पर भी नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, नॉट विद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, ध्यान में रखना है, बट विजिबल बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, बट विजिबल बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अगर हम बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करें तो बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो हमें कोलाइडर्स की पार्टिकल दिख सकते हैं, और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो उसे कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं होती, विजिबल बाय नेकेड आईज, विजिबल बाय नेकेड आईज, मतलब अगर नेकेड आईज से दिख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप को लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमें वो दिखेगा या पॉसिबल है विजिबल। ओके, ये पॉइंट हो गए क्लियर। अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे थॉमस ग्राहम की बात थी, पार्शमेंट की बात कर लेते हैं। चलो, क्योंकि उसने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, तो पासिंग थ्रू पार्शमेंट लेयर, ओके मैं इसको लिखूंगा परमीएबिलिटी थ्रू पार्शमेंट पेपर। एक्चुअली पार्शमेंट पेपर का मैंने मतलब आपको बताया कि बहुत पावरफुल अगर फिल्टर पेपर हम यूज करें तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें से पास करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ट्रू सॉल्यूशन पास वेरी इजीली, बहुत ही इजीली पास हो जाता है, कुछ टाइम भी नहीं लगता, और फास्टली बहुत फास्ट। बट इसकी जगह पर अगर मैं कोलाइडर सॉल्यूशन की बात करूं तो इट पासेस स्लोली। क्यों स्लोली पास करेगा? अब देखो, इसके पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, 1 to 1000 नैनोमीटर, तो धीरे धीरे पास करेगा। फाइनली अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन के पार्टिकल ऊपर लटक जाएंगे, जो कि हमने वहां पर देखा, तो पार्टिकल्स डू नॉट पास। ध्यान में रखना है ये डिफरेंस कि पहले वाले ने क्या बताया कि पार्शमेंट लेयर से ट्रू सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इजीली पास हो जाते हैं, बट कोलाइडर्स के सॉल्यूशन, कोलाइडर्स के पार्टिकल धीरे-धीरे पास होते हैं एंड सस्पेंशन के पार्टिकल पास नहीं होते, बस उसमें से जो लिक्विड है वो पास हो जाएगा, पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। चलो, ये नोट डाउन कर लेंगे आप अच्छे से, चार पॉइंट हो गए यहां पर, 1 2 3 4, वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, तो चार पॉइंट हो गए यहां पर, इसको मिटा देते हैं हम लोग, ताकि टेबल नहीं मिटाना, थोड़ा टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, पर वो मिट ही रहा है, चाहता है बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो एग्जाम क्रैक करना है हमें, अच्छा रिजल्ट लाना है हमें, तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी बेटा, विदाउट स्टडी नो रिजल्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, जो हमने पार्शमेंट लेयर की बात की, तो सेपरेशन की बात कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पर इसको मैं फिर से बना लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन। सेपरेशन में दो सेपरेशन लेते हैं, पहले फिल्टर, नॉर्मल फिल्टर की अगर मैं बात करूं और नॉर्मल फिल्टर से आप पास करना चाहो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडर और सस्पेंशन, तो अभी हमने पार्शमेंट लेयर की बात की, तो ट्रू सॉल्यूशन सेपरेट नहीं होता। सेपरेट होना मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं उन सॉलिड के पार्टिकल को सॉल्वेंट से अलग करना, यहां पर सॉलिड के पार्टिकल सेपरेट नहीं होते, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नॉट पॉसिबल। कोलाइड के लिए भी इट इज नॉट पॉसिबल, बट अगर सस्पेंशन की बात करूं इट इज obviously possible, क्योंकि suspension के पार्टिकल फिल्टर में सेपरेट हो जाते हैं। ओके, देन अगर मैं, ये नॉर्मल फिल्टर की बात हुई थी, बट अगर मैं हाइब्रिड फिल्टर यूज करूं, जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर, सेकेंड यूज करो फिल्टर, सेपरेशन की बात चल रही है, सेपरेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज किया मैंने, अल्ट्रा फिल्टर जो कि हमारे वाटर फिल्टर्स में होते हैं, आपको पता है यूवी आरएल ये सब जो होते हैं उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन, अगेन ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी नॉट पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट। कोलाइडर सॉल्यूशन में क्या होता है, इसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो फिल्टर पेपर होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो इसमें पॉसिबल है।
अल्ट्राफिल्ट्रेशन से तो हो सकता है कि पार्टिकल सेपरेट हो जाए, और सस्पेंशन में तो पॉसिबल पहले से नहीं था, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन से ऑब्वियसली और पॉसिबल होगा। क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए वहां पर? 4-5 पॉइंट कितने हुए? आप नोट डाउन करते रहो बराबर। देन हम बात करते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन का एग्जांपल मैंने आपसे कहा है कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में मिक्स हो जाए, जैसे डीओ के पार्टिकल गैस में कैसे मिक्स हो जाते हैं, तो गैस गैस बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, गैस गैस बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। तो डिफ्यूजन मतलब एक पार्टिकल है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन को मैं लेमन जूस में मिक्स कर दूं तो जल्दी से मिक्स हो जाता है, होगा या नहीं होगा? तो वैसे भी अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो टू सॉल्यूशंस आर वेरी फास्ट डिफ्यूजन, मतलब फास्ट डिफ्यूजन होता है, वेरी फास्ट डिफ्यूजन। अगर कोलाइडर्स की बात करें तो स्लोली, एंड अगर सस्पेंशन की बात करें तो, सस्पेंशन की बात करें तो व्हाट इज सस्पेंशन, इट डज नॉट डिफ्यूज, मतलब डिफ्यूज होना डिफिकल्ट है क्योंकि उसके पार्टिकल से पार्टिकल्स मिक्स नहीं हो रहे, उसके पार्टिकल्स मिक्स होते बराबर तरीके से मिक्स ही नहीं होते, तो सेपरेट कैसे होते, सॉरी डिफ्यूज कैसे, डिफ्यूज मतलब दो पार्टिकल का मिक्स होना। देखो सॉइल लिया मैंने पानी में मिक्स कर दिया, ठीक है, तो थोड़ी देर तक मिक्स रहेंगे, बाद में सेटल हो जाएंगे, फिर से मिक्स कर दिया, चलो मैं मिक्सी में मिक्स कर देता हूँ फिर भी वो सेटल हो जाएंगे, इसका मतलब डिफ्यूजन इसमें पॉसिबल नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन में बहुत फास्ट डिफ्यूजन होता है, कोलाइडर में थोड़ा स्लो होता है, एंड सस्पेंशन में होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज सेटलिंग। यहाँ पर देखो अब सब पूरा का पूरा जो भी कंपैरिजन है, जो भी कंपैरिजन है वो सब कंपैरिजन पार्टिकल्स के ऊपर ही जा रहा है, सब कुछ हम पार्टिकल्स के बारे में ही बात करें। सेटलिंग मतलब अगर हम सॉल्यूशन को मिक्स कर दें थोड़ी देर तक रहने दें तो क्या होगा, क्या उसके पार्टिकल सेटल होते हैं? आपको पता है सॉल्यूशन के पार्टिकल डू नॉट सेटल, चाहे कुछ भी हो वो सेटल नहीं होंगे। अगर मैं कोलाइड्स की बात करूं, कोलाइड के एग्जांपल में आपको पता चल, मिल्क, मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड, जो हर घर में आपने देखा होगा, मिल्क सभी ने देखा है, तो कोलाइड का एग्जांपल एक मिल्क है, तो मिल्क भी डू नॉट सेटल बाय ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी के ऊपर रख दें उसको, मतलब मैं दूध को एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन तक रख दूं तो उसके पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, बट अगर मैं उसको सेंट्रीफ्यूज कर दूं तो उसके पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। सो सेटल इफ सेंट्रीफ्यूज, अगर मैंने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूज मतलब बहुत हाई स्पीड में उसको रोटेट कर दिया, आपको पता है आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन देखी होगी आपके केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स के लैब में, तो जब हम उसको हाई स्पीड में रोटेट करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। तो कोलाइड का ये स्पेशल पॉइंट है कि कोलाइडल पार्टिकल कैन सेपरेट इन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज, एंड सस्पेंशन में तो नॉर्मल कंडीशन में ही वो सेटल हो जाते हैं, अगर मैं सॉइल को मिक्स कर दूं सेटल हो जाएगा, तो सेटल आपको समझना होगा कि होमोजेनियस का मतलब क्या होता है। होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, आप सॉल्यूशन का ऊपर से नीचे से साइड से बाजू 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 इधर से भी सॉल्यूशन निकालो, उसकी टेस्टिंग करो, सब जगह सेम प्रॉपर्टी आएगी, उसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या फिर होमोजेनियस सॉल्यूशन। लेकिन उसके अपोजिट रहेगा हेटेरोजेनियस, मतलब अगर मैं ऊपर से निकालूंगा तो थोड़ी अलग प्रॉपर्टी आएगी, नीचे से निकालूंगा तो अलग प्रॉपर्टी, साइड से तो अलग अलग, मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, मैंने बता दिया आपको ट्रू सॉल्यूशन आता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा बेटा, क्या आता है यहां पर होमोजेनियस आता है, क्या आता है होमोजेनियस आता है, कोलाइडर एंड सस्पेंशन, कोलाइडर दिखने में अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, याद रखना है इट अपीयर्स होमोजेनियस, मतलब दिखने में होमोजेनियस दिखता है। देखो मिल्क का सॉल्यूशन पूरा यूनिफॉर्म दिखता है, बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनियस, याद रखना है कि वो हेटेरोजेनियस में आता है, दिखने में होमोजेनियस होगा लेकिन हेटेरोजेनियस में आता है। और लास्ट वन सस्पेंशन, हमने पहले से ही जान रखा है कि इट इज हेटेरोजेनियस, ओके हेटेरोजेनियस है मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर? बहुत सारे पॉइंट देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडर एंड सस्पेंशन का मेन डिफरेंस याद रखना है,
आपको मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताया, पानी ले लेंगे, पानी में सॉल्ट डालेंगे तो ड्रॉ सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट डालेंगे तो बन जाएगा सस्पेंशन। ओके, अब हम आ जाते हैं इसका जो सबसे मेन पॉइंट है, जो कि हम कहते हैं किंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, तो दिख रहा होगा आपको किंडल इफेक्ट या फिर इसे ही ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो किंडल इफेक्ट, एक्चुअली इसका मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है इसका मतलब? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब देखो अभी इस रूम में लाइट है, बट आपको इस रूम में लाइट का ऐसा पाथ नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है पाथ ऐसा, बट अगर पूरा रूम में अंधेरा होगा, पूरे रूम में अंधेरा होगा और एक छोटा सा छेद हो तो उसमें आपको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे लाइट दिखेगी, सर्कुलर फॉर्म में लाइट दिखेगी, उसका रास्ता दिखेगा आपको, उसके अंदर पार्टिकल डांस करते दिखेंगे। अभी भी तो पार्टिकल है यहाँ पर और पार्टिकल नहीं दिख रहा है, डांस नहीं दिख रहा है, यहाँ पर वो जो रास्ता है वो नहीं दिख रहा। रात को अगर आप किसी गाड़ी के सामने लाइट देखेंगे अंधेरे में तो वो लाइट का ऐसा पाथ दिखता है, तो वो क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अगर आप देखेंगे तो अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, वो पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है, तो सबसे छोटा तो इसमें, तो अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वहां पे स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं होता, तो दिस वन डू नॉट शो किंडल इफेक्ट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बट अगर कोलाइडर की बात करेंगे इट शोज किंडल इफेक्ट, एंड सस्पेंशन की बात करेंगे इट आल्सो शोज किंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि इन दोनों में कोलाइडर के भी पार्टिकल्स बड़े होते हैं, सस्पेंशन के भी पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखा ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन का डिफरेंस, जो आप पहले से थोड़ा बहुत जानते थे अब क्लियर हो गया इसके बाद वाले लेक्चर में। ओके, तो अब ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा लेक्चर अभी कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की कोलाइडर्स की, कोलाइडर समझने के लिए आप लोगों को ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन का डिफरेंस पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सॉल्यूशन में साइज पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है, कोलाइडर्स में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर एंड सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कोलाइडर्स आपको चैप्टर का बहुत मेन बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा हमने एब्जॉर्प्शन कंप्लीट किया, सेकंड बड़ा हिस्सा या लगभग खत्म करने वाला कोलाइडर्स है, और लास्ट का एंडिंग छोटा सा टॉपिक कैटलिस्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। इस पर तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे पॉइंट इसमें कंफ्यूजिंग, आप सेपरेट देखो, इतने सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरेटिकल है पर ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। ओके, तो फिर पढ़ाई कर देंगे, वीडियो पसंद आ गए तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, एंड फिर मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पर। ओके।